चाहिए। ये दोनों टीमों से भी अनुरोध है कि आप भी अपने कमेटी से यानी कि अपने खिलाड़ियों को तैयार रखें और कमेटी से संपर्क कर दें। इसके बाद खेल होगी। सिंकू बर्गर्स बादुगा साहब और से साई का कमांड कस्ती जीत के गई। बड़ी तब बड़ी Thank you.
कहना कहना पता नहीं कुछ भी हो सकता है। हाँ दोनों टीम का खेल देखकर दर्शक कितना पहला हफ्ते में कोई सफलता नहीं मध्यंतर के बाद में कुछ हो सकता है या नहीं अब देखना है। पीवीएससी पर रियल एस्टेट वाई एफ सी
और एक बच्चे से बिल्कुल बात आगे कर दिया, बड़ी सुंदर से गए यहाँ पर घुमा दिया, बड़ी सुंदर से बात प्रलील, लेकिन वहां पर गेंद को निकलने में सफल, कोई हड़बड़ी नहीं, कैप्शन जीत पानी को बहुत बड़े सुंदर निकाल दिया, पावली चंपर रिकर नंबर के लेके छोटे कर खिलाड़ी बीच में निकाल दिया, बड़े सुंदर पांच नंबर रिकर नंबर एक साइड पर और क्राइक पॉइंट पर रिकर नंबर के लिए बड़े सुंदर के रहा गेंद को पीछे की ओर मोड़ा, बोलना चाहते थे क्रिकेट अपने कब्जे में, अभी भी फिर से घुमाया गेंद को धीरे धीरे से खेल बच्चे में काल मिलता बंद जा रहा है यहाँ पर कैफियस जिक पानी निपाना था बेटे को दुख मैंने अब देखना है थोड़ी देर के बाद किसका पहला यानी किसका दूसरा चक्कर में खेलेंगे, और इशारे के चलते गेंद को उठा लिया हवा के रास्ते 12 नंबर के लिए रियल एस्टेट के लिए, लेकिन रियल एस्टेट की कुछ नहीं कर पाए, बस 5 नंबर मैनेजर पर गेंद अच्छा क्वार्टर का प्रयास घुमाते हैं ये घूमते हुए वर्षों से आवाज के माध्यम से गेंद को 10 नंबर के लिए निकला है रियल एस्टेट के लिए, लेकिन तो सही नहीं कर पा टीबी जी वर्ग के बीच दिख पानी के बच में है, बस फिर से गेंद को चला जाते करते और स्पीच बस सुंदर गेंद गेंद को निकाल दिया, छोटे कर दिया खेलर नंबर पे लिया, बस फिर से उठा दिया एक बार फिर से, लेकिन एक बार फिर से अच्छा मौका या गोल ऊपर डालना पड़ेगा और इसी बीच गोलकीपर दौड़ पर पूर्ण बचाओ अच्छा मौका रियल एस्टेट के लिए, लेकिन गोलकीपर का सूझबूझ का तारीका दिखाते ही यहाँ पर निकाल दिया अपने से कतरा में डालते हुए, लेकिन कोई कतरा नहीं हुई और एक बार पीपीएस के द्वारा बड़े सुंदर खेल मैल गेंद को निकाल दिया है 7 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए गेंद के बीच डालते हैं और गेंद को अब रोका गया है 10 नंबर के बीच और हाथ उठाया गया था, इसलिए सिटी आई थी और उसका सिटी को मन ना होगा और सीबी लंबा कहे और सीबी नौकरी पर आगे बढ़ करके और भरपूर बचाव यहाँ पर बहुत ही ठीक से गिरता मगर कल किसी भर उतना ही अपना बचाव का तरीका दिखाते हुए और एक बार फिर से दो नंबर मोटा का खिलाड़ी साउ बहुत ही पुराना खिलाड़ी अरे बर्फी से निकाल दिया गेंद को और लेकिन को दौड़ना पड़ेगा और सीधे गेंद को हवा के रास्ते और पीछे के बोल दिया और सीधे से चपत खिलाड़ी द्वारा रियल एस्टेट के लिए केपीएस के 3 नंबर और गेंद को सीधे निकाल दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं केपीएस के और इस तरह गलती पर अपने हाथों में लेते हुए इसके बाद इस खेल के बाद बिल्कुल तैयार है गए खूब जबरदस्त बाडूबा था बस आइए दमाद कसी जीत के जाइए इसके बीच होगी इस खेल के तुरंत बाद जो खेल होगी सिखू बर्दस बादुबा था बस आइए दमाद कसी जीत के जाइए इस टीम का नाम है अभी जो आप देख रहे हैं केपीएस जीक पानी बस रियल एस्टेट आईएफसी के बीच 10 नंबर रियल एस्टेट के लिए गेंद को उठा दिया है शादी के लिए वहां पर पहले से मौजूद 11 नंबर छोटे कद खिलाड़ी केपीएस के द्वारा
एक बात साथी के लिए धीरे धीरे यहाँ पर अपना खेल का भरपूर प्रदर्शन करते हैं दोनों टीम के पीएस के पक्ष में आराम आराम की बात रहा। तीन नंबर ने गेंद को निकालना चाहिए बीच में, लेकिन वहां पर पैरों में गेंद और इसी बीच बड़ी सुंदर गेंद को निकाला है। यहाँ देखना है लेकिन एक बार फिर से चकमा देने का प्रयास एक सेंटर के बीचों बीच मंदिर का प्रकार करती है केपीएस के द्वारा 7 नंबर और बड़ी सुंदर चकमा यहाँ पर दूसरा गलत चकमा दे लेकिन कुछ चकमा खा गए यहाँ पर इसी बीच रियल एस्टेट के लिए गेंद और सुंदर निकाल दिया यहाँ पर पब्लिक जोर गेंद अपने सबसे विकार 10 नंबर 12 नंबर के लिए गेंद निकालना चाहते थे आगे में लेकिन निकल गए। बहुत देर हो चुकी थी इस तरह होता है इस तरह में इसलिए इस आवाज नहीं उठाए। आरसीबी उठा दिया है हवा में गेंद रोक पाएंगे या नहीं और गेंद को रोका गया है सिमार का गेंद गिर से ब्रेकफास्ट करता हुआ रियल एस्टेट YFC और गेंद को बीच में निकालना चाहते थे वहां पर पहले से मौजूद केपीएस के खिलाड़ी इस तरह दोनों टीम और एक बार फिर से रियल एस्टेट से बड़े सुंदर गेंद को निकाला यहां पर लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे किसी भी इसी बार दो बार गेंद सिंकू बर्दस वादुबा साहब से आइए दमाद काफी जीत के ले चाहिए के बीच हो गया और धीरे धीरे का कहना गेंद को निकाल दिया बीच में धीरे धीरे सब पीछे हट रहे हैं और एक बार फिर से केपीएस के 7 नंबर गेंद को निकाल दिया भाई जब आउट लगाना पड़ेगा कीपर को वहां पर वहां से और गेंद का अपने कब्जे में लेते हुए बहुत दूर 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 दौड़ना पड़ा गोलकीपर को। दोनों के बीच का जो खेल देख रहे हैं बड़ी सुंदर खेल का प्रदर्शन केपीएस जीतवानी बसे रियल एस्टेट YFC के बीच अभी भी केपीएस के पक्ष में गए पब्लिक जोन में गेंद को निकाला है 5 नंबर के लिए 5 नंबर ने गेंद अपने साथी खिलाड़ी बीच में 6 नंबर के लिए 6 नंबर ने सीधे बाएं छोर पर गेंद अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है। अब देखना है यहाँ पर अच्छी सुंदर तालमेल का नजारा यहाँ पर और एक बार फिर दौड़ लगाना पड़ा और टकराया पैर से अभी भी इस्तेमाल करके बात याद हुई गई अभी तक कोई सफलता नहीं दोनों के बीच कहीं पर भी एक सफलता या कहीं और हो जाती है तो शायद बराबरी आने में बढ़ाई कठिनाई होगी दोनों टीम को। इसी बीच दूसरा खेलने के लिए आइए सिंकू बर्दस वादुबा साहब से आइए दमाद काफी जीत के जाइए के बीच होगी और मैं दोनों टीम के मैनेजर या कप्तान से निवेदन करूंगा कि वो पब्लिक चौक से ही प्रवेश करेंगे और कहीं पर अगर हैं तो आप पब्लिक चौक पर आकर एक साथ मैदान में प्रवेश करेंगे और एक बार फिर से बड़ी सुंदर तालमेल का नजारा यहाँ पर और एक बार बड़ी सुंदर साथी तरीका बिग बॉस 10 नंबर के लिए पब्लिक चौक पर और धीरे से निकाल दिया गेंद को और इसी बीच